गुड मॉर्निंग, हंसती रही, मस्त रही, जिंदगी व्यस्त रही। तो बेसिकली बताने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। टाइम मैनेजमेंट, अगर टाइम को मैनेज करना है, मतलब लाइफ को मैनेज करना है, टाइम मैनेज हो गया तो लाइफ मैनेज हो जाएगा। दोनों सेम है, लाइफ मैनेज, टाइम मैनेज। अपने आप को डेली का एक टास्क बनाओ कि इतने टाइम पे ये कंप्लीट करना है, इतने टाइम पे करना। बेसिकली हमारा टाइम कहाँ बैठ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि यार कोई हमको पता नहीं होगा कि हमारा आज मुझे क्या क्या काम करना है। आपको पता नहीं होगा क्या क्या करना है, तो आपका टाइम वेस्ट जाएगा। बट आपको प्रेशर्स होगा, ऐसे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि मगर आपके पास 40 मिनट है, आपको कहीं जाना है, राइट। अगर आप पहुँचने वाले हो, मतलब 50 मिनट्स का टाइम है आपके पास, बट आपको वहाँ पहुँचने में 1 घंटे 10 मिनट लगता है। बट आप कुछ ये ऐसा करोगे ताकि अगर बाइक से जा रहे हो तो थोड़ा बाइक को फास्ट फास्ट चलाओगे और आप वहाँ पे 50 मिनट आप पहुँच पाओगे। उसी प्रकार अगर आपको वहाँ पहुँचने में 40 मिनट लगता है, लेकिन आपके पास अप्रोक्सीमेट 1 आवर है, तब आराम से जाओगे और 1 घंटे वहाँ पहुँचोगे। तो एक हुआ ना एक टाइम बाउंडेशन। तो अपने आप को प्रेशराइज करो, जितना अपना टास्क बनाओ कि मुझे ये इतना काम करना है, ये काम करना है, ये ऐसे करना है। तो डेली का टास्क बनाओ, डेली का टास्क बनाओ, जो जो टास्क है क्या ये मैंने कंप्लीट किया है नहीं किया है, और डेडलाइंस बनाओ। जैसे मुझे ये काम इतने बजे से इतने बजे तक कंप्लीट करना है, मुझे ये मीटिंग्स करनी है, मुझे ये ट्रेनिंग्स देखनी है, ये मुझे करना है। तो जब आपका वो पूरा होगा ना डिसीजन, जैसे कि डेडलाइंस होगी, वो चीज़ होगी, उतने टाइम में वो अचीव कर पाओगे। क्योंकि हमें सबसे मेन चीज़ टाइम मैनेजमेंट की एक बात बताता हूँ कि हम जो पूरे हम पढ़ाई करते हैं, जैसे कि 12th के स्टूडेंट होते हैं, जो कि 11th के स्टूडेंट, वो क्या सोचते हैं, जैसे हमारी बोर्ड्स की एग्जाम आती है, पहले हम पढ़ते नहीं थे, जैसे मतलब पूरा साल निकल गया, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया। लेकिन लास्ट के अगर मंथ के जब एग्जाम आ गई हमारे सामने, जब एग्जाम का 1 मंथ या 1.5 मंथ जब बचते हैं ना, तो जो हमने पूरे साल में नहीं पढ़ा होता है ना, वो हम 1-2 मंथ में क्यों पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रेशर रहता है। पर्पज है हमारा कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो सिंपल सी बात है, फेल होऊंगा। अगर मैं नहीं पढ़ा आज तो फेल होऊंगा, अगर फेल होऊंगा तो वही चीज़ है। तो प्रेशर आ गया ना अपने ऊपर, अब प्रेशर आ गया तो ऑटोमेटिकली पढ़ोगे। जो आपने 6 मंथ में नहीं पढ़ा, वो आप 1 मंथ, 1 या 1.5 मंथ में पढ़ पाओगे, क्योंकि आपके पास प्रेशर है। आपको विजन, आपका विजन क्लियर है वो क्यों करना है। अगर मैं नहीं पढ़ा तो फेल होऊंगा, तो सिर्फ बाय क्लियर हुई, क्यों करना चाहिए काम। तो एक काम को करने से पहले क्यों विजन होना चाहिए उसका, और एक डेडलाइंस होनी चाहिए। क्योंकि जितना आप टाइम डिसीजन करोगे, जैसे कि मुझे कहीं जाना है, कुछ करना है, तो उसका टाइम बाउंडेशन नहीं होगा ना, तो आप नहीं पहुँचो। जैसे फिक्स मुझे 10 मिनट में पहुँचना है, तो आप 10 मिनट में पहुँच जाओगे वहाँ पे। जैसे कि आपको कोई गोल्स है कि मुझे अचीव करना है वो गोल्स, तो यार पे सोचा 1 साल में अचीव करना है, तो मैं 1 साल के हिसाब से ही काम करूँगा। अगर मुझे पता है मैं 6 मंथ में काम करूँ पहुँचना है, तो 6 मंथ के हिसाब से वर्क करूँगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, एज ए एग्जाम्स, स्टूडेंट का एग्जाम, स्टूडेंट जो 8 मंथ में नहीं पढ़ते, वो 2 मंथ से 1 से 1.5 मंथ में पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर प्रेशर रहता है। तो जितना टाइम आप प्रेशर में रहोगे, जितना अपने आपको प्रेशराइज करोगे, जितना ज़्यादा अपना टास्क बनाओगे कि आज मैंने कितना काम किया, क्या ये टास्क मैंने कंप्लीट किया या नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या रीज़न था मेरा ये कंप्लीट नहीं कंप्लीट करने का। तो जिस प्रकार आपका लाइफ में टाइम मैनेजमेंट होगा, तो लाइफ ऑटोमेटिकली मैनेज होगा। डेली का टास्क बनाओ, उसको रिव्यू करो, और प्रेशराइज करो, और डेडलाइंस डिसाइड करो, मुझे ये काम इतने बजे इतने बजे तक कंप्लीट करना है। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो मुझे ये प्रोजेक्ट 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। अगर बोल दिया जाए कि आपको ये काम 6 महीने में करना है, तो आराम से करोगे। लेकिन यही बोल दिया जाए कि ये 6 महीने का काम आपको 1 महीने में करना है, तो आपके पास टाइम बचेगा फिर? बिल्कुल नहीं बचेगा। आप प्रेशराइज रहोगे तो उसको 1 मंथ में कर दोगे। तो टाइम मैनेज का मतलब यही, अपने आप को प्रेशर करो, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना आपका टाइम मैनेज होगा। ये लाइफ मैनेज और टाइम मैनेज सेम है दोनों। आपको पता होगा कि मुझे ये काम करना है, इतने टाइम में करना है, इतने बजे तक करना है, तो आपका टाइम मैनेज तो ऑटोमेटिकली हुआ है ना, फिर कहाँ टाइम मैनेज मैंने वो कर रही है। तो बने रहिए इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल पर, देखते रहिए न्यू न्यू वीडियोज, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। आप लोगों का प्यार मेरे पर इसी प्रकार बने रहे। ऑल द बेस्ट, गो सेल्फ ग्रोइंग।